फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष गुप्ता की किचन। आज मैं आपको इंडियन चाइनीज, कहने को चाइनीज है लेकिन इसको कहते हैं इंडो चाइनीज स्प्रिंग रोल आज मैं आपको सिखाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आएंगे। और ये बिल्कुल इसमें हम अंडे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे स्प्रिंग रोल के रैपर बनाने के लिए। सिंपल हम दूध, कॉर्नफ्लावर एंड फ्लावर, इन तीनों चीज़ों को यूज़ करेंगे। और एक नए मेथड से आपको विदाउट एग ये रैपर बनाएंगे। तो इसमें हम कहीं भी अंडे का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए किचन में बनाने चलते हैं। स्प्रिंग रोल के रैपर बनाने के लिए हमें इक्वल क्वांटिटी, अगर 4 चम्मच मैंने मैदे के लिए हैं तो 4 ही चम्मच में कॉर्नफ्लावर का डालूंगा। हमने 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर के और 4 चम्मच मैदे के लिए हैं और हमने इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करना है क्वांटिटी के हिसाब से। और इसको हम आस्ते आस्ते मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे अगर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे जब ये कंडीशन आ जाए इसकी, तो इसको हम हाथ से फेंटेंगे। हमने बिल्कुल भी अंडा इसमें यूज़ नहीं किया। लोग कहते हैं कि बगैर अंडे के स्प्रिंग रोल नहीं बनते, लेकिन हम आपको बगैर अंडे के स्प्रिंग रोल जो रैपर है वो सिखाएंगे। ये देखिए, मैं इसको फेंट रहा हूँ जैसे हम जलेबी का बैटर फेंटते हैं, वैसे इसको मैं फेंट रहा हूँ। जब इतना ठीक हो जाए फेंटने के बाद, इसमें धीरे धीरे पानी ऐड कीजिए। इसका बैटर हमें पतला ही चाहिए। जब ये बैटर बन जाए इसको आप छान लीजिए ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। ये देखिए, मैंने बैटर बना लिया है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, इस बैटर में हमने इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर एंड इक्वल क्वांटिटी ऑफ कॉर्नफ्लावर दोनों को लिया है। अगर आपने 200 ग्राम कॉर्नफ्लावर लिया है तो 200 ग्राम ही मैदा डालना है और 75 ml मिल्क डालना है और बाकी पानी डालना है। अभी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये रहेगी, बिल्कुल पतली सी। अब इसके हम इसके रैपर बनाएंगे स्प्रिंग रोल के। रैपर्स हम स्टील की प्लेट पे बनाएंगे और स्टील की प्लेट पे बनाने से पहले हम इसको कॉर्नफ्लावर से डस्ट कर देंगे ताकि इसमें जो रैपर बने वो चिपके ना। रैपर बनाने के लिए हमने नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है और आप एक कपड़े पे हल्का सा तेल लेके इसको ब्रश कर दोगे तेल से। और जब तक ये तेल सूखेगा तब तक ये पैन भी हमारा गर्म हो जाएगा। अब इस नॉन स्टिक पैन पे हम इसको उठाएंगे। और जो हमारा बैटर है इसको हम कड़छी से इसमें डालेंगे। और इसको पूरा रोल कर देंगे और जहाँ छूट गया वहाँ हल्का सा और डाल देंगे। जो बच जाए उसको दोबारा से आप पतीले में डाल सकते हो। अब इसको 2 से 3 मिनट गर्म करेंगे। ये देखिए, ये हमारा रैपर पूरा का पूरा निकल रहा है।
और थोड़ा गर्म करेंगे और इस प्लेट पे हम इसको बाहर निकाल लेंगे। मैं इस प्लेट पे इसको बना के रखूँगा। इसके नीचे मैंने कॉर्न फ्लावर लगा रखा है और अब ये देखिए मैंने गैस को कम कर दिया और इसको यहाँ ले आया और ये देखिए मेरा रेडी हो गया। और जब रेडी हो जाए तो इसके ऊपर हम फिर दोबारा से कॉर्नफ्लोर ताकि अगला जो बनाएंगे उसमें चिपके ना। वैसे इसकी बाजार में शीट आती है, आप घर पे बनाइए। इसको फिर हम ले गए गैस के ऊपर और इसको एक बार फिर से देखिए ये मैंने इसको घुमा दिया और ये फालतू है, इसको मैंने तेल में डाल दिया। अब इसको एक बार फिर हम गैस पे ले जाएंगे। ध्यान रखिए गैस तेज भी होगा, स्लो गैस पे नहीं होगा। ये देखिए हमारा दूसरा रैपर तैयार है, इसको उठाया हमने और इसके ऊपर ले गए और हल्का हाथ उठाया और यहाँ डाल दिया और इसके बाद हमने फिर इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाया। अगला जो डालेंगे हम इसी के ऊपर डालेंगे। अब हम स्प्रिंग रोल की सब्जी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने ऑयल डाला है और सबसे पहले ऑनियन को मैंने स्लाइस करके काटा है, हम स्लाइसर में डालेंगे। अब हम डालेंगे कैप्सिकम। इसके साथ ही डाल देंगे कैरेट, ये भी मैंने बारीक बारीक काटी है। अब हम डालेंगे कैबेज। हम इसको पकने के लिए रखेंगे, जब इसका पानी निकल जाएगा अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी। ये देखिए इसमें डाली सोया सॉस। ब्लैक पेपर चाइनीज सॉल्ट इंडियन सॉल्ट विनेगर ये सब्जी में थोड़ा खट्टापन लेके आएगा और इसको अब हम हिलाएंगे। सब्जी का सारा पानी सूख गया है और इसमें अब ये रैप करने के लिए तैयार है। इसको हम रैपर में डालने से पहले बिल्कुल ठंडा करेंगे, अगर गर्म हुई तो रैपर को फाड़ देगी। इसको मैंने तैयार हो गई है, गैस कम कर लेंगे। इसके अंदर हम एक सॉस बनाएंगे, इट्स चिली गार्लिक सॉस जो सर्व की जाएगी स्प्रिंग रोल के साथ। इसके लिए मैं सूखी लाल मिर्चें, इसके लिए मैं इसको उबालूंगा।
ये आपके स्प्रिंग रोल के साथ बहुत अच्छी लगती है। हम इस लाल मिर्च को बॉईल करेंगे और इसके लिए ये देखिए मैंने गार्लिक को चॉप कर लिया है। इसके साथ हम ये सॉस बनाएंगे, ये हम चिली गार्लिक सॉस बना रहे हैं। सबसे पहले हम गार्लिक डालेंगे और खूब सारा गार्लिक डालेंगे। गार्लिक होने के बाद ये मैंने रेड चिली जो मैंने बॉईल की थी इसको मिक्सी में पेस्ट कर लिया, ये डाल दी मैंने। इसमें थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ी टमाटो सॉस, थोड़ा नमक, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरह से। ठंडी होने के बाद इस सॉस को आप बोतल में डाल के 1 से 2 महीने अपने पास रख सकते हैं और जब कभी भी आपको स्नैक्स बनाने हो इस सॉस को यूज़ कर लीजिए। इसमें एक चीज़ और डालेंगे, हम हल्का सा हम विनेगर डालेंगे, ये हमारी सॉस बनके रेडी है। इस सॉस का नाम है चिली गार्लिक सॉस। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमने तेल ले लिया है, तेल को हम गर्म करेंगे और तब तक हम सब्जियां डालेंगे। सब्जी हम बिल्कुल किनारे पे डालेंगे और फैला के इस तरह हम सब्जी डाल देंगे इसमें। अब हम एक निजाम बनाएंगे। हमने ये सब्जी डाल ली है, सबसे पहले इसको हम साइडों से, ये साइड है, साइड इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम बंद कर लेंगे साइड को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, उसको रोल करते जाएंगे और यहाँ पे आके हम लास्ट में मैदे और पानी दोनों से हमने निजाम तैयार किया है इसको लगाएंगे साइड में और इसको इस तरह कवर कर देंगे। सारे स्प्रिंग रोल तैयार करेंगे। अभी हमारे स्प्रिंग रोल बन गए हैं, इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए जो बाजार से शीट आती है उससे भी पतले बने हैं हमारे, तो इसको घर पे बनाइए। बाजार से कोई शीट मत लेके आइए और ये बिल्कुल एगलेस हैं, कहीं भी इसमें अंडा यूज़ नहीं किया है। अभी फ्राई हो रहे हैं, फ्राई होके इसको हम प्लेट पे सजाएंगे। देखिए हमारे सुप्रीम रोल जब ये कलर आ जाए फ्राई करती बार तब तो इसको निकाल लेंगे, एक एक करके निकाल देंगे
और हमने प्लेट में डालने शुरू कर दिए। ये फ्राई होने के बाद इस तरह दिखेगा और इसको हम काट लेंगे। और इसको हम, ये हमारे स्प्रिंग रोल रेडी हो गए हैं सर्व करने के लिए, साथ में चिली गार्लिक सॉस। इसको आप स्नैक्स में एंजॉय कीजिए। ये हमारे होममेड स्प्रिंग रोल विदाउट एग विद चिली गार्लिक सॉस रेडी है। आप इसे स्नैक्स में एंजॉय कर सकते हैं और मेरे वीडियो में कमेंट्स लिखिए कि आपको ये कैसे लगे। थैंक यू।